के बारे में बस मुबारकबाद देने आया हूँ। दिल अच्छा करम तेरा, मुझे लगता है कि इसके गाने भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड होंगे, शायद आज ही हो रहे हैं। जी अच्छा, आज रिलीज कर दो सर। आप बताइए क्या करते हैं, पहले तो पर्चे दीजिए और आप मुझे एग्जैक्ट बताइए। थोड़ा जोर से आवाज़ थोड़ा लाउड। हाँ, वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आज रिलीज है इसका। कौन आर्टिस्ट हैं, कहाँ शूट किया, बताइए अनुभव कहाँ पे शूट किया। ये हमने शूट किया है गुजरात में। अच्छा रिलीज करें अच्छे से म्यूजिक हैदर भाई से। तो कितने सॉन्ग्स हैं? सिंगल सॉन्ग। सिंगल सर, आपसे जानना चाहूँगा पर्चे दीजिए और जानना चाहूँगा इस एल्बम के बारे में। मेरा नाम अख्तर है, मैं इस एल्बम का डायरेक्टर हूँ। बहुत अच्छा लगा काम करके, हमारे यही एक्टिंग किए हुए अब्दुल भाई ने, हमारा इसमें एक्टिंग किया। अब्दुल भाई इसमें प्रोड्यूसर भी हैं, एज ए लीड रोल उन्होंने किया। हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, इनको मुबारकबाद देने, अख्तर भाई डायरेक्टर को मुबारकबाद देने। और ऐसे एल्बम बनने चाहिए, ये बात अलग है कि लोग हम लोग को भूल जाते हैं। तो अली भाई, क्या चुके एल्बम के बारे में बात की, आज इतने सारे एल्बम हो रहे हैं, आपको कोई मौका मिला कि नहीं करियर में एल्बम में काम करने का? अगर मिला तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था उसका? असल हमें एल्बम में शूट ही नहीं करते। नहीं, एक एल्बम आपने किया है हाजी मलंग का। हाजी मलंग बाबा पे किया था मैंने। अच्छा। और वो बहुत हिट हुआ था, हाँ चला हुआ था। और यानी सुबह 9 बजे शूटिंग शुरू हुई थी उसकी, कल्याण हाजी मलंग बाबा की दरगाह के नीचे पहाड़, और रात को 10 बजे ऊपर तक पहुँचे थे। और पूरा गाना शूट हुआ था और सुपर डुपर वो एल्बम हिट हुआ था। ये भी कहना चाहूँगा, जैसा मालूम चला जैसे आपको कोरोना हुआ, आपकी धर्मपत्नी का निधन हुआ, क्या कहना चाहेंगे, कितना दुखद लगा ये जो एक 1.5 साल का माहौल रहा, बहुत ही दुखद था हर किसी के लिए, आपके लिए कैसा अनुभव था इस 1.5 साल में? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया और ये हमारी सेकंड लाइफ है। एक्चुअली हम भी बहुत इजी लेते थे कोरोना को, और तमाम बगैर मास्क के जाते थे, कोई ज़्यादा परहेज नहीं था। लेकिन जब यानी 2 जून को सबसे पहले वाइफ हुआ मेरी शुराली खान को, उनको एडमिट किया चेंबूर के साई हॉस्पिटल में। 15 दिन तक वो मौत और हयात से लड़ती रही, आखिर में उनकी 15 जून को डेथ हुई। और 1.5 महीना हम बेड पर रहे, मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था 50 के आसपास, और जो लंग्स में जो अटैक हुआ था मुझे वो 10% का स्कोर था, 10% मेरा लंग्स डैमेज हुआ था। और ये समझिए कि कुछ अच्छे काम फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ बाकी हो या फैमिली के लिए कुछ काम बाकी थे, इसकी वजह से ऊपर वाले ने मेरी जान को बख्शा। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि हम आज तक फिल्म इंडस्ट्री में हर लोगों के सुख दुख में शामिल हुए, लेकिन पहली बार मैं अपनी वाइफ को मैं आखिरी दीदार किया न मैं उनकी मिट्टी में शामिल हो सका। चूँकि मेरी हालत इतनी नाजुक थी कि अगर मुझे बच्चे लोग बताते तो शायद मैं वहीं क्लैप्स हो जाता। और दो बड़े सर्जन थे, ये डॉक्टर थे कोविड के, जो मेरे पास 12 बजे रात तक रुके थे, नर्स थे वो सब मेरे ट्रीटमेंट कर रहे थे, हमारे पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर आदाब फारूक थे। लेकिन बहुत गरीब से हमने मौत को देखा है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा नरमी आ गई है। कोई अदना आदमी पहले भी कोई एयरपोर्ट करता था मैं पहुँचता था, अभी आप आज ही देखिए मुझे 2-3 घंटे की नोटिस से मैं यहाँ पर आया हूँ, कोई ईगो नहीं है। लेकिन मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि ये जो 2 साल से जो कोरोना चल रहा है इससे हम सबकी हिफाजत करें ऊपर वाला, और बस जैसे काम चलता था पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि हमारे पास अगर हम लोगों के पास काम नहीं है तो हम बिल्कुल मतलब बेकार हैं, घर में बैठे बैठे आदमी बोझ हो जाता है। तो मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, और जो लोग भी इससे कोरोना से यानी कोविड से जूझ रहे हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। क्योंकि ये जो होता है सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, आपका ये सब बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ने आपको दबोच लिया। तो मेरा स्कोर धीरे धीरे डाउन हो रहा था, लेकिन इतफाक से जब मैं ऑक्सीजन पे आया, ऑक्सीजन सपोर्ट से 20 दिन रहे और मालिक ने मेरी जान बख्शी, और एक बहुत बड़ी कुर्बानी इस कोरोना में मैंने अपनी वाइफ को खोया, और इसका अफसोस मलाल उनको सारी जिंदगी रहा। सर, आपसे कहना चाहूँगा पर्चे दीजिए और अली भाई इतना बहुत समय निकाल के आए हैं आपके कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रॉबी सागर है और मैंने प्रिंस के साथ काफ़ी काम किया, और मैंने फिल्में भी साथ में किए, अली सर के साथ मैंने काम किए, मसूर जी मसूर कुरैशी जो हमारे पहले ड्यूटी थे मैं उनका सिस्टर कर चुका हूँ।
और अख्तर हमारे अख्तर सर हैं जिन्होंने इस सॉन्ग को डायरेक्ट किया है और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है हम लोग का सामने करके। और मैं ये दुआ करता हूँ कि भाई इस सॉन्ग को देखने के बाद लोग इसे पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करके शेयर करें तो हमारा थोड़ा सा आगे और हमारा मनोबल बढ़े कि हम प्रिंस जी के लिए और आगे और सॉन्ग करें उनके साथ हम काम करें। तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, कोई प्लेटफॉर्म आप खुद का है या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे देने वाले हैं एल्बम को? देखिए प्रिंस, ये तो प्रिंस जी बताएंगे क्योंकि इन्होंने सब डिसाइड किया कि हम किस चैनल पर करने वाले हैं। लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, हंगामा म्यूजिक, स्पॉटिफाई म्यूजिक, उनका जो यूट्यूब चैनल है अच्छे से। अरे भाई एक बात और जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से एक निर्भया जैसा कांड हुआ मुंबई में, क्या कहते हैं कितनी दुखद बात है क्योंकि मुंबई को एक सुरक्षित शहर समझा जाता था और इतनी दर्दनाक घटना हुई यहाँ पे, उस लड़की की मौत भी हो गई, तो उसके बारे में कुछ बताइए क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है, इस पर जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हालांकि महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे जी बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हैं और यहाँ के CP पुलिस अरेस्ट हो गया उसको, हालांकि डिमांड किया गया बहुत सख्त से सख्त सज़ा उसको मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मुंबई शहर में अब ये होने लगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। ये सारी बातें महाराष्ट्र के बाहर होती थी जैसे कि खास करके दिल्ली वगैरह में, UP में, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में ऐसी घटना घटे इससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और उस बच्ची के माँ बाप को इसका इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। सर आप अभिनेता के तौर पे भी काम कर रहे हैं, पहले जो काम किया था उसके बारे में जानकारी दीजिए, आगे क्या करने वाले हैं, क्या आपका प्लानिंग है आपके तौर पे? पहले तो मैंने जो किया है ने अपनी मतलब पूरी उसमें जी जान लगा के और मेहनत से किया था, अभी तक प्यार की बात मिला था और दो फिल्में और कर रहा था तो लॉकडाउन के चक्कर में रुकी हुई थी तो बस उसकी भी शूट स्टार्ट हो गई। अली भाई साथ में बैठे हैं, कुछ कहना चाहेंगे अभिनय के बारे में, उनके साथ काम करने क्या क्या है? अली भाई वो मतलब जो है बचपन हम लोग देख के सीखे हुए हैं और अली भाई बहुत महान एक्टर है और इस छोटे से हमारे म्यूजिक वीडियो में शुभकामनाएं देने आए उनका बहुत बड़ा आभार है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अली भाई यहाँ तक आए, हमारे लिए बहुत बड़ी जो एल्बम है आपका करम तेरा जिस भी फीचर किए हैं अली भाई, आपने बहुत समय निकाले इस एल्बम के लिए, पहले क्या करेंगे अली भाई के बारे में? नहीं मैं तो आपका इंतजार कर रहा था चूँकि हम लोग ने सब बात कर ली है। करम तेरा जो आपने वीडियो में मैंने देखा है, टेलर का, प्रिंस भाई का, ये सब आउटडोर ये सब शूटिंग है, बहुत अच्छा गाना बनाया है, इसमें संगीत भी बहुत अच्छा दिया है, मार्केट की वजह से वो बहुत अच्छा है। पहली बार तो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, क्या पहली बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले तो आपने प्रोड्यूस किया है एल्बम को? नहीं पहली बार, फर्स्ट टाइम। और आगे क्या अली भाई के साथ कोई फिल्म वगैरह बनाने का कुछ है? बात तो कुछ सोचेंगे कुछ आगे क्या करने सब लोकेशन वोकेशन सब अच्छा ही मिलता है, मैंने सब देखा ही है लोकेशन गुजरात का, राजकोट का, अहमदाबाद का। फिर आप बताइए कैसा सपोर्ट मिला आपको? जयसुख भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमारे संगीत गुरु जी हैं, मैं जब भी गुजरात में शूटिंग करने के लिए जाता हूँ काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और जयसुख भाई वहाँ तो ऐसे बहुत बड़े बिजनेस मैन हैं, इन्हें एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इनके साथ हमारे बाबा हैं जो काफ़ी लोगों का भला करते हैं और बहुत दूर दूर से इनके पास लोग आते हैं अपना काम कराने के लिए, काफ़ी मतलब मुंबई से भी जाते हैं उनके पास वो काफ़ी लोग इतना टाइम निकाल के आए हमारे बीच, वो बहुत बड़ी बात है। और जयसुख भाई मतलब जो है कि गुजरात में अलग लेवल के हैं और गरीबों की मदद करना, कोई कोई फंसा है कोई परेशान है, उनमें इनका काफ़ी बड़ा हाथ है। सर 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 बताइए आपसे क्या क्या आपको ठीक है, थैंक यू सर।